हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूँगा। तो जी, एक और मोहतरमा आ गई हैं दिल्ली पुलिस से, और इनको पता नहीं है कि आजकल ग्राहक जागरूक हो गया है, तो भाई साहब को ये डरा नहीं पाई है। ये सुनते हैं क्या बात हुई है। बोल रही हूँ, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस? अच्छा जी, हाँ, इंक्वायरी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं ना। अच्छा जी मैडम बोलिए। हाँ, तो आपके खिलाफ एक केस आया हुआ है। आप बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है, आपने कहीं से लेन देन किया हो या कुछ फाइनेंस वगैरह किया हो तो पैसा नहीं दिया हो, तो इसी वजह से केस बना हुआ है आप पे। हाँ लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आया मैडम। बोलिए। मैं रहता छत्तीसगढ़ में हूँ, मेरा केस दिल्ली में गया है। देखिए सर, आपके शहर का ही रहने वाला है ये। इस बंदे ने आपके ऊपर केस किया हुआ है, इसने काफी समय से मेरा पैसा नहीं लिया हुआ है। और अच्छा हाँ, ये इन्होंने सरकारी वकील के थ्रू ये केस मेरे पास भिजवाया है। ठीक है, तो सरकारी वकील मेरे को ये दिल्ली। बोलिए। नहीं, मेरे को पर्टिकुलर किसी बंदे ने केस किया है ना, हाँ जो मेरे शहर का रहने वाला, जैसे आप बता रहे हो। हाँ हाँ अच्छा, मैंने उससे कितना पैसा लिया है मैडम? जी, तो मतलब मैंने कितना पैसा लिया या कितना क्या लिया, थोड़ा बताइएगा। ये तो सही, वही तो बता रही हूँ। हाँ जी, मैं कैसे बताऊंगी तुम्हें। ये जो फाइल आती है ना सर हमारे, ये हाँ जी, हाँ जी, सील पैक फाइल आती है, इसे अच्छा खोलने की अथॉरिटी हमको नहीं दी जाती है। अब जो एक क्लाइंट है आपके शहर का रहने वाला है, इसने केस सरकारी वकील को दिया हुआ है ना दिल्ली में। अच्छा ये दिल्ली में रहती है, आरती गौतम मैम है, 30,000 कोर्ट पे रहती है। नाम तो अच्छा सुना ही होगा आपने, 30,000 कोर्ट पे रहती है। उनका अच्छा नंबर दिया गया है इसमें। अच्छा मैं आपको ये नंबर दे सकती हूँ, अगर आप उनसे बात करके अपने केस की जानकारी ले सकते हैं आप। अरे मैडम, फिर वही बात कर, मेरे को तो यही चीज समझ नहीं आ रहा है ना, कि आप जैसे बता रहे हो कि किसी बंदे ने मेरे ऊपर केस किया है और हाँ पर्टिकुलर वो मेरे शहर का रहने वाला है, मैंने उससे पैसे लिए हैं, इस वजह से उसने हाँ शायद केस किया है, ऐसा कुछ है क्या? पैसे लिए होंगे या किसी से कुछ फाइनेंस वगैरह किया होगा ना, कोई सामान वगैरह कुछ भी लिया होगा। अब इतना तो ये वही अरे मैडम, जानेगी ना वकील नहीं, मैडम, जानेगी मैम। सॉरी ठीक सर। है, आपका आप जो बोले मैं समझ लिया, मैं समझ में आ गया मेरे को। लेकिन आपके पास जो फाइल आई है उसमें ये तो मेंशन किया होगा ना कि मैंने कितना पैसे का या क्या चीज का मैंने फ्रॉड किया है, हाँ तो क्या चीज का फ्रॉड हुआ है मैडम? तो यही चीज आपको मैम बताएगी ना। मैं आपको वकील का नंबर दे देती हूँ, आप वकील से बात कर ले। हाँ अरे तो फिर वही बात कर रहे हो, आपके पास केस फाइल पहुंचा और आप नहीं बता पा रहे हो, आप पर्टिकुलर किसी तो आप और। समझ नहीं रहे हैं क्या मैंने आपको क्या बोला इससे पहले? सील हाँ पैक फाइल पहुंची है बोला मैंने। सील तो फिर पैक फीडबैक का मतलब आप सुनिए ना, समझ सुनिए। रहे होंगे, सील पैक के खोलने की अथॉरिटी हमको नहीं दी जाती है, अरे हमसे अवकाश मैडम केवल है। जी, फिर आप उल्टा बात कर रहे हो। सील पैक आपके पास पहुंचा है बोल रहे हो केस, तो सील पैक हाँ केस को आपने अभी तक खोला तो है नहीं, नहीं खोला है ना? जी सर बोलिए। नहीं, आपने खोला तो नहीं है ना सील पैक को? तो नहीं, क्यों खोलूंगी, अपनी नौकरी क्यों खतरे में डालूंगी सर। नहीं, मेरे पास आपका केस जो आता है ना, आधे से अरे एक घंटे के लिए मैडम, आता है। अब मेरी बात तो सुन लो। आप बोल रहे हो, आपने जितना कहा मैंने सुन लिया, अब मेरी बात सुन लो। आप बोल रहे हो पर्टिकुलर किसी बंदे ने मेरे ऊपर केस किया है या कुछ भी इश्यू है ना, और हाँ फलाना केस जो है आपके पास पहुंचा है, जबकि आप सील पैक फाइल को अभी तक खोला भी नहीं है। अरे सर, हमारे पास किसी तरह के फाइल आते हैं ना, 400 पीसी के, तो आप समझ भी रहे हैं। मैं अच्छा, मेरे में कौन सा सेक्शन लगा है मैडम? पुलिस थाने से बोल रहे हो ना आप, हाँ, तो कौन सा सेक्शन लगा है मेरे ऊपर, ये तो बता सकते हैं? 400 बीसी का केस है। इसके अच्छा, 400 अलावा मैं कुछ बीसी नहीं का। जानती हूँ। अगर आपको ज्यादा जानना है तो यहीं पे आके आप यहीं से बात कर लीजिए मुझसे। हाँ अच्छा ठीक है मैडम, एक काम करिए ना, बोलिए। क्या मेरे को फ्लाइट टिकट का फेयर दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ। दे दीजिए? फ्लाइट टिकट का फेयर दे दीजिए, मैं आ जाता हूँ, या फिर वाह, टिकट वेरी करवा गुड, दीजिए। बहुत अच्छा ना। मैं यहाँ पे आपकी टिकट करने के लिए बैठी हुई यहाँ पर, यहाँ से मैं आपको इंक्वायरी दे रही हूँ। जी आपके ऊपर केस आया हुआ है, आधे जी से एक घंटे के अंदर अगर मैं यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जी उस समय मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो मैं आगे भेज देती हूँ, तो आपके लोकल थाने में अरेस्ट वारंट क्या साथ आएगा, उसकी भी डर नहीं है आपको? आपको टिकट की भी डर हो रही है? मैडम, क्या है ना, बुला तो आप रहे हो,
आप यहाँ आ मैं जाओ, बता रही अब हूँ, यहाँ से अब वहां मैं घूमने बोल लेना, क्या है रही हूँ, देखिए। सीधे सीधे बोल आप रही हो, सुन लो सीधे, अभी तक मैंने आपको अच्छे से समझाया, अच्छे से बोला, आपकी समझ में नहीं आया तो मैम आपको मैम वकील का नंबर प्रोवाइड करा नहीं नहीं दीजिए। मैडम ये कल ना के दिन, कल के दिन आपका केस आता है, आपके घर से जान मैडम जोखिम जी में लाते सुनिए हैं, मेरी बात अरेस्ट होने के सुनिए, बाद उसके आप बाद बोले क्यों जा नहीं रहे हो, होना बोले जा चाहिए, रहे हो, मुझे कोई बोले जा रहे हो, इंक्वायरी मेरी नहीं कुछ दी गई नहीं। है। अरे मैडम आप चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसी बात बोल रहे हैं तो चिल्लाओ, अरे चिल्ला मैडम जाओ, चिल्लाइए मेरा काम मत, ही आपका नहीं बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो फिर है, मुझे ही बीपी दिक्कत बढ़ होगी ना, जाएगा ये तो तुम्हारी बोलोगे सांस आप ना मेरे, निकलोगे क्या मुझे? मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, मैं आपको इन्फॉर्म करके बता रही हूँ, ये काफी नहीं है आपके लिए, मेरे वजह से फिर आपका बीपी बढ़ गया तो उसका भी केस डाल दोगे आप कि मेरा फलाना। बीपी बनेगा तो केस बनेगा ना, डलेगा खुद पे डलेगा, उसके देखना आप देखना, चार कांस्टेबल मेरे घर पे नहीं भेजूंगे, याद करेगा, पहले तो फिर से तमीज से बात करी थी, अच्छे से बात करके चली, देखो अरे मैं नहीं तो आया, मैडम समझ रहे आप, मैं आपको कौन सा मैंने गाली समझ दे रहा रहा है, हूँ, मैं भी तो आपकी प्रेम से ही तैयारी बोल था, रहा हूँ, अपने घर में मैं कांस्टेबल बोल आए रहा थे, हूँ उनकी तैयारी कर, उनके खाने को अच्छी लेके भी और आप क्या अपनी कर, जब तबीयत को डंडा खराब लेके मत तुझे ले करिए, जाएंगे तब तुझे बात पता चलेगा, आप स्वस्थ रहिए।